साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और महाविकास अघाड़ी में बड़े विस्फोट की खबर है। उद्धव ठाकरे की मनमानी से फाइनली कांग्रेस पार्टी बेहद ज्यादा तंग आ गई है, और क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा और नया फैसला लिया है जिससे तंग आकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नया बवाल, नया बखेड़ा हो गया है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे की मनमानी को कांग्रेस ने बर्दाश्त करने से ही मना कर दिया, इनकार कर दिया है। अक्सर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी यानी कि गठबंधन में एक तरफा फैसला लेते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन हर बार शरद पवार के दखल के बाद मामला कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में सुलझ जाता था। लेकिन इस बार तो कंडीशन एक कदम आगे की है, हालात और ज्यादा खराब है और संभावना यहां तक है कि इस बार तो शरद पवार भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं। असल में मामला तब बिगड़ा जब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मिले और इस दौरान ठाकरे ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे और सभी की सभी, जी हां, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। अब ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है और लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अकेले ही 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया और इससे बवाल हो गया क्योंकि इसी साल अभी सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब तक उद्धव ठाकरे की मनमानी झेल रही है, चुपचाप झेल रही, कांग्रेस ने भी इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी और साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे को अलग चुनाव लड़ना है, शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ना चाहती है तो अभी से साफ कर दे, बता दे ताकि हम भी अपनी तैयारी कर सकें। नाना पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने के बाद भी हमने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं जो कि हमारा बेहतर प्रदर्शन दिखाता है और हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं और अगर किसी को गठबंधन में नहीं रहना है तो हमें भी किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएंगे, ये नाना पटोले ने कह दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे इसी तरह से मनमानी करते रहे तो हम खुद गठबंधन से अलग हो जाएंगे क्योंकि ऐसा हर बार नहीं चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। अब कहानी है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा सा बैकफुट पर थी और अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फ्रंटफुट में आ गई है, खुलकर खेल रही है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में बाकी सारी पार्टियों से अच्छा है और यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने मन से विधानसभा चुनाव को लेकर फैसले ले रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बार आंख दिखा दी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की मनमानी से वो तंग आ चुके हैं और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अगर विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ती हैं तो फिर इनका वोट शेयर बढ़ जाएगा, आपस में घट जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद मुश्किलें झेल रही बीजेपी को यहाँ महाराष्ट्र में बढ़त मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में सरकार भी बना सकती है क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर टूट जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बल्ले बल्ले वाली खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ जाने या फिर नहीं जाने की जो चर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव के पहले से चल रही हैं, मगर अब इन चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है। उद्धव ठाकरे पहले से कहते रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनानी है, उनसे छीना गया मुख्यमंत्री पद उन्हें फिर से चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब इन चर्चाओं के बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री को उद्धव ठाकरे के पास
भेजा गया मनाने के लिए, समझाने के लिए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि गडकरी उद्धव ठाकरे में काफी अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक गडकरी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर उनकी मुलाकात भी हुई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने के लिए कहा गया और इसके बदले में महाराष्ट्र में उनकी यानी कि उद्धव ठाकरे की और बीजेपी की सरकार होगी, इस बात का भरोसा दिया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी शर्त यहां पर रख दी है, जिस पर बीजेपी फंस सकती है, फंस चुकी है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने बड़ी शर्त ये रखी है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और इस चुनाव से पहले किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि खुद ठाकरे अभी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हां, वो शिंदे को हटाने की डिमांड कर चुके हैं। शिंदे को हटाने की कीमत पर ही वो बीजेपी के साथ आएंगे या फिर सोचेंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। अब इस डिमांड पर बीजेपी फंस गई है, क्योंकि शिंदे को हटाना बिल्कुल भी आसान ऐसे ही होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। हालांकि शिंदे गुट के कुछ विधायक और सांसदों ने उद्धव ठाकरे से बात की है, उनके साथ वापसी की इच्छा जताई है, लेकिन हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। गडकरी को पूरा जिम्मा तो दिया गया है कि वो ठाकरे को एक बार फिर बीजेपी के साथ लेकर आए, लेकिन देखना होगा कि इस मामले का हल क्या निकलता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे मान जाते हैं या फिर नहीं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा की 9 सीटें मिली हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी ने किया है, लेकिन इस पर खासा बवाल मचाया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, मगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद खुद ठाकरे कर रहे थे, और इसी बात को लेकर पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। मीटिंग के दौरान भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में थी और सबसे ज्यादा 21 सीटों पर भी सेना यूबीटी ने ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। सिर्फ 9 ही सीटों पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जीते, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 जीत ली। और सांगली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को मिला लें तो कांग्रेस की 14 सीटें हो गई, जबकि शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर लड़ी और 8 में जीत ली। अब कहानी इसी को लेकर खराब हो गई। उद्धव ठाकरे ने अपने नए सांसदों की मीटिंग ली और इसमें कई बातों को लेकर चर्चा हुई। अब उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने के बाद भी कैसे यूबीटी की सिर्फ 9 सीटें आई और कांग्रेस कैसे सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब इस पर कुछ सांसदों ने कहा कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से लौटना होगा, बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन पर विचार करना होगा। कुछ बड़े नेता और सांसदों ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है और हमें फिर से उनके साथ जाना चाहिए, हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए और केंद्र की सरकार में भी शामिल होना चाहिए। अब इस पर संजय राउत ने सवाल उठा दिए। जी हां, संजय राउत ने मीटिंग में ही कहा कि जिस पार्टी ने हमें तोड़ दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, उनके साथ कैसे जा सकते हैं। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई और उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही, लेकिन अरविंद सावंत जैसे कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि मगर महाराष्ट्र में तो हम पीछे हो रहे हैं, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी आगे जा रही है, उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, और ऐसा ही रहा तो विधानसभा में भी उनकी ही ज्यादा सीटें आएंगी और फिर विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद भी हमसे छीना जा सकता है, हमसे लिया जा सकता है, कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। अब इसी बात पर खासा बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि कैसे मुख्यमंत्री पद उन्हें दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद की लेकर ही सारी लड़ाई थी और वो कैसे उन्हें दे दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई, क्योंकि ज्यादातर यूबीटी के सांसद चाहते हैं कि एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटा जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन करके केंद्र की सरकार में शामिल हुआ जाए और विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ ही लड़ा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहने पर अड़े हुए हैं, इसी को लेकर सांसदों ने खासा विरोध किया, हंगामा हुआ। हालांकि बाद में हंगामा कर रहे लोगों को समझाया गया, मगर ये बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो ही गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो सहानुभूति की लहर थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला, ये सबने देखा है। लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर खुद उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग के बाद खास घबराए हुए, उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस उनसे बड़ी पार्टी हो जाए और उन्हें एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग जाए। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के सांसद आगे क्या रुख अपनाते हैं, उद्धव ठाकरे खुद क्या फैसला लेते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ चले ही जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।